हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज रूपाली केसु। कैसे हो आप सब? अपने मेकअप वैनिटी अगर बनाना चाहती हैं तो उन्हें अपने मेकअप वैनिटी में क्या क्या रखना चाहिए और उनको अपने मेकअप वैनिटी में क्या क्या इम्पॉर्टेंट है, तो मैं यहाँ स्किन केयर से लेकर पूरे मेकअप के प्रोडक्ट भी बताऊंगी। कि लेट गेट स्टार्टिंग। पहला जो मैं दिखाने वाली हूँ ये टोनर, ये गुड वाइब का ग्रीन टी टोनर, बहुत अच्छा होता है और प्राइस के अकॉर्डिंग तो बहुत ही अच्छा है। आपको ये 215 का इसका प्राइस है, बट आपको डिस्काउंट में आपको हमेशा 110-150 के अराउंड आपको मिल जाएगा, तो ये वाला टोनर आप डेफिनेटली बाय करना। एंड द सेकेंड प्रोडक्ट है मॉइस्चराइजर, तो मैं यहाँ आपको दो मॉइस्चराइजर दिखाऊंगी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो उनके लिए, अगर आपकी स्किन ऑयली है तो उनके। बायोटिक का एडवांस आयुर्वेदा न्यूट्रिज एंड हाइड्रेट मॉइस्चराइजर, मुझे बायोटिक के प्रोडक्ट पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये वाला मैं हाईली रिकमेंड करूँगी। ये क्रीमी बेस में मॉइस्चराइजर है, तो ये वाला डेफिनेटली आप ट्राई कर सकते हो। सेकेंड मॉइस्चराइजर ये पॉन्ड्स का सुपर लाइट जेल मॉइस्चराइजर, ये वाला भी बहुत ही लाइट वेट है और ऑयली स्किन वालों के लिए मॉइस्चराइजर बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, उनके ऑयल को बिल्कुल भी निकलने नहीं देता और स्किन इंस्टेंट हाइड्रेट हो जाती है। तो ये दो मॉइस्चराइजर आप अपने मेकअप वैनिटी में ज़रूर हो। ओके, थर्ड प्रोडक्ट प्राइमर। प्राइमर मेकअप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं यहाँ प्राइमर को बिल्कुल भी स्किप नहीं करूँगी। तो आज मैं आपके लिए प्राइमर जो मैं पर्सनली यूज़ करती हूँ, इनसाइड का ये प्राइमर है 3-in-1, आपके प्राइस के अकॉर्डिंग। वीडियो उनके लिए जो कम बजट में मेकअप वैनिटी अपना बनाना चाहते हैं, तो ये प्राइमर आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो। इनसाइड का प्राइमर है, प्राइस भी आपको 230 या 300 तक मिल जाएगा और इस प्राइमर से आपके पोर्स एकदम लॉक हो जाएंगे और अच्छा सा बेस भी स्मूथ होगा। ओके, अगला है आपको कलर करेक्ट करने की ज़रूरत होती है तो अलग अलग लेने से अच्छा मैं आपको सब एक ही बता दे रही हूँ। इनसाइड का ये कलर करेक्टर, इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा शेड मिलेंगे पिंपल्स के लिए, लाइक पर्पल, ग्रीन और कंसीलर, ऑरेंज, कॉन्टोर एंड ये कलर करेक्टर। तो ये आप डेफिनेटली बाय कर सकते हो अगर आप ब्राइड्स हो, अगर आप शादी होने वाली, तो ये सब मेकअप आपको अपने वैनिटी में रखना चाहिए क्योंकि शादी के बाद अक्सर हम लोग मेकअप करते हैं। तो ये वाला डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो, इसका प्राइस भी 150 अराउंड समथिंग कुछ होगा। डिस्काउंट में आपको सारे प्रोडक्ट और भी ज़्यादा सस्ते मिलते हैं। तो नेक्स्ट कंसीलर, मैं यहाँ पे दो कंसीलर आपको रिकमेंड करूँगी, ये दोनों ही मेरे फेवरेट कंसीलर है। फर्स्ट ये इनसाइड HD कंसीलर, ये मैं आपको बोलूँगी आप आँख बंद करके ले लो। ये कहीं ये स्विस ब्यूटी का कंसीलर, लुक एट द, मेरा आधा ख़त्म भी होने वाला है, ऑलमोस्ट मेरा ख़त्म हो गया ये वाला कंसीलर। तो ये दो कंसीलर आपको बजट में मिल जाएगा, 250 इसका प्राइस है और काफ़ी ज़्यादा हाई कवरेज आपको देगा और डेफिनेटली आप अगर बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं करना चाहते हो तो सिर्फ कंसीलर से आप अपना मेकअप कंप्लीट कर सकते हो। कॉम्पैक्ट के लिए आपको मैं यहाँ पे दो दे रही हूँ, लूज पाउडर मैं यहाँ पे स्किप कर दे रही हूँ जस्ट बिकॉज कॉम्पैक्ट ही मैं प्रीफर करवा रही हूँ आप। तो ये दो कॉम्पैक्ट, एक है ये लैक्मे का SPF कॉम्पैक्ट, अगर आपको मेकअप बहुत ज़्यादा नहीं करना है, नॉर्मल जाना है, अगर आपको सनस्क्रीन नहीं लगाना, तो ये वाला डेफिनेटली आप बाय कर सकते हो। 2-in-1 फेसेस कैनेडा का कॉम्पैक्ट, ये मेरा फेवरेट है और इसका प्राइस है 200। प्राइस के अकॉर्डिंग आई थिंक मैंने ये कॉम्पैक्ट आज तक नहीं देखा है और ये थोड़ा सा कॉस्टली आपको मिल जाएगा, 250 जस्ट 50 रुपये का ही डिफरेंस है, बट ये दोनों कॉम्पैक्ट बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, तो आप ये दोनों के साथ जा सकते हो। ब्लश, ये है NYV का सनसेट ब्लश, आपको अपने मेकअप वैनिटी में ब्लश रखना ज़रूरी है। तो ये छोटू सा ट्रैवल फ्रेंडली ब्लश है, आपको ये मिल जाएगा 230 में और भी अच्छा कलर है इसका, ये थोड़ा सा डार्क शेड में आता है बट इसका शेड काफ़ी अच्छा है एंड काफ़ी ज़्यादा अच्छे से ब्लश लगा भी देता है, एकदम आपको पाउडरी फॉर्म में नहीं है, तो ये पॉकेट फ्रेंडली ब्लश रख सकते हो। फाउंडेशन के लिए मैं आपको दो यहाँ पे दूंगी ऑप्शन, एक हाई कवरेज फाउंडेशन और एक मीडियम कवरेज फाउंडेशन, जो आप बिल्ड कर सकते हो हाई कवरेज में भी। फर्स्ट है ये लैक्मे का 925 प्राइमर मैट परफेक्ट कवर फाउंडेशन एंड सेकेंड है ये मेबलिन का सुपर स्टे फाउंडेशन, ये आपको हाई रेंज में मिलेगा, ये 700 समथिंग का कुछ मिलेगा और ये आपको 450 समथिंग कुछ का मिल जाएगा। ये आपको मीडियम टू हाई कवरेज देगा बट ये फाउंडेशन आपको हाई कवरेज ही देगा। तो दो फाउंडेशन आपको अपने मेकअप वैनिटी में रखना चाहिए, ये नॉर्मल यूज़ के लिए, आपको कहीं जाना हो छोटे मोटे फंक्शन के लिए। सेकेंड ये हाई कवरेज
शादी वादी जरूर पड़ती है, शादी की बात तो जाना ही पड़ता है, तो ये दो फाउंडेशन आपको अपनी वैनिटी में डेफिनेटली रखना चाहिए। देन बात करते हैं मस्कारा की, तो ये मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा, ओ माय, इसका बॉन्ड बहुत ज़्यादा अच्छा है वैसे, और ये आपकी लैसेस को इंस्टेंट कर्ल कर देगा। अगर आप लैसेस नहीं वियर करना चाहते हो और घर में कौन करता है, तो ये वाला आप ज़रूर अपने मेकअप वैनिटी में रखिएगा। मेबलिन का हाइपर कर्ल मस्कारा ज़रूर आप अपने वैनिटी में रखिएगा। अगला है, उसके बाद आपको ना एक कलर भी लेना चाहिए अपने मेकअप वैनिटी में, आपको एक कलर भी रखना चाहिए, क्योंकि लैसेस हमेशा हम नहीं वियर करेंगे, तो अपने लैसेस को कर्ल तो एटलीस्ट कर लेंगे, तो आपको अपनी वैनिटी में कलर भी रखना चाहिए। काजल, काजल ज़रूर रखो अपने वैनिटी में, NYB का ब्लैक काजल और ये मिस क्लियर का वाइट काजल, तो ये दो काजल मैंने बताया है, आप चाहे तो सिर्फ ब्लैक भी ले सकते हो, बट दो ले लीजिएगा। ये 60 रुपीज़ का पड़ेगा और ये आपको 110 रुपीज़ का पड़ेगा, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, तो दो काजल आप डेफिनेटली अपनी वैनिटी में रखिएगा। देन आईब्रोज को सेट करने के लिए स्विस बीट का आईब्रोज है ये, इसमें ना आपको तीन सेट देगा और एक जेल भी देगा, तो आप अगर इससे छोटा मोटा अगर आई मेकअप भी लुक क्रिएट करना चाहते हो तो कर सकते हो, स्मोकी टाइप का, और ब्राउज को सेट करने के लिए काफ़ी अच्छा है, इसमें आपको एक मिरर भी दे देगा, तो ये वैसे कहीं भी आप लेके भी जा सकते हो, और आईब्रोज को सेट करना भी अच्छा है, जिससे आपका पूरा नेचुरल लुक एकदम अलग हो जाता है, तो अपनी वैनिटी में ब्राउज को सेट करने के लिए आईब्रो पैलेट जरूर रखिएगा। देन हाइलाइटर के लिए मैं आपको एक ऐसा पैलेट बताऊंगी जिसमें आपको सब मिल जाएगा, अगर आपको अलग से ब्लश या कॉन्टोर नहीं लेना है तो ये मार्स का इस तरह ना एक स्विस ब्यूटी का भी आता है, तो आप वो भी ले सकते हो। इसमें आपको 4 सेट ब्लश के मिलेंगे, 2 सेट कॉन्टोर के एंड 2 सेट हाइलाइटर के, काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बजट फ्रेंडली है, 400 इसका प्राइस है, और आपको एक ही में सब मिल जाएगा, कॉन्टोर हाइलाइटर ब्लश, तो ये आप अपनी वैनिटी में ज़रूर रखिएगा। अलग अलग लेने से अच्छा है कि आप यही एक ले लो और सबका आपका काम हो जाएगा। और उसके बाद आपको अपनी वैनिटी में ना मेकअप रिमूवर भी रखना चाहिए, तो मैं आपको दो बता दे रही हूँ, एक पैड और एक लिक्विड। तो ये NYB का मेकअप रिमूवर पैड काफ़ी अच्छा है गाइस, मेकअप एकदम इंस्टेंट इतने अच्छे से रिमूव करता है ना कि एकदम पता नहीं चलता कि आपने मेकअप भी किया है, और स्किन भी काफ़ी अच्छे से क्लीन हो जाती है, तो मेकअप रिमूव करना भी बहुत ज़रूरी है, तो शादी के बाद और टाइम नहीं मिलता है मेकअप रिमूव करने का, तो इससे आप फटाफट से अपना मेकअप रिमूव कर सकते हो। 89 रुपीज़ प्राइस है इसका, और इसमें आपको 25 समथिंग कुछ पैड्स मिलेंगे, काफ़ी अच्छे से मेकअप रिमूव भी कर देता है, स्मेल इज ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा अच्छी है। और आपको ये गार्नियर का ये वाटर भी रखना चाहिए, माइसलर वाटर, अगर आप ये नहीं ले सकते हो तो आपको ये ले लो, अगर आप ये नहीं ले सकते तो ये, दोनों में से बट आप एक ज़रूर लीजिए। मेकअप रिमूवर भी अपने वैनिटी में ज़रूर रखिएगा। एंड ये उसके बाद आपको ब्यूटी ब्लेंडर भी लेना ज़रूरी है, क्योंकि इतना सारा मेकअप आप ब्यूटी ब्लेंडर से ही करोगे ना, तो ये मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर का सेट बता दे रही हूँ, इसमें ना इस तरह के 4 थे एंड छोटू वाला 3 था, तो ये आपको 200 में आराम से मिल जाएगा, इस तरह के बोतल में आता है। तो सीट मास्क शादी के बाद फेस पे ग्लो भी लाना है, पहले भी लाना है बाद में भी लाना है, तो अपनी वैनिटी में ना एक दो आप सीट मास्क भी रख लो, मैंने नायका का मंगाया, कोई भी अच्छा सा सीट मास्क आपको जो सूट करता हो अपने स्किन के अकॉर्डिंग, वो आप सीट मास्क एक दो अपनी वैनिटी में डेफिनेटली डाल दो। एंड आई शेडो, मैं आपको एक ऐसा आई शेडो पैलेट बता रही हूँ कि आपको बहुत ज़्यादा आई शेडो पैलेट नहीं लेने की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये आई शेडो पैलेट इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्राइस भी नहीं स्पेंड करना पड़ेगा, 300 या 400 समथिंग प्राइस कुछ इसका, और इसमें आपको ना 72 कलर्स मिलेंगे, तो यहाँ पे सारे आपके वार्म शेड हैं, ब्राउन है, ऑरेंज है, पिंक है, और यहाँ पे आपको पूरा ग्रीन है, शिमर भी है इसमें, और काफ़ी ज़्यादा ग्लिटर भी है, यहाँ पे पूरे पिंक शेड है, पर्पल शेड है, ग्लिटर, तो आप ये वाला आई शेडो पैलेट आप ले सकते हो। इसमें आपको ना सारा शेड भी मिलेगा, ग्लिटर भी मिलेगा एंड शिमर भी मिलेगा और मैट भी मिलेगा काफ़ी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है लिपस्टिक, ब्राइड्स के लिए लिपस्टिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लिपस्टिक से ही सारा निखार आता है, तो मैं आपको 2-3 शेड बता दे रही हूँ लिपस्टिक के जो आप वियर कर, कुछ 4 बता दे रही हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से लिपस्टिक तो ले सकते हो। पहला आपको मरून, अपनी वैनिटी में आपको मरून कलर की लिपस्टिक जरूर रखनी है। सेकेंड आपको रेड, क्योंकि रेड हर ब्राइड्स लगाती है, तो सेकेंड रेड। और 2 आपको न्यूड रख लेने, एक ब्राउन टोन में और एक ये पिंकिश टोन में है, न्यूड बट न्यूड ही है, ये भी रख सकते हो, ये स्विस ब्यूटी का पिंक शेड है ये लिपस्टिक का, तो आपको 5-6 लिपस्टिक अपने वैरायटी में रखनी है। ये रहा मेरा आज का वीडियो, आई होप आपको वीडियो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल लगी हो, वीडियो आपको पसंद आई हो, और मेरी वीडियो आपको बहुत ज़्यादा कुछ ना कुछ काम की आई हो, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे अगर नए आए तो सब्सक्राइब कर देना, नहीं किए हो तो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, टिल देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लव यू।